अंबाला में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब चोर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामला अंबाला कैंट का है, जहां चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा और महिला पर हॉकी से वार कर दिया। इस दौरान घायल अवस्था में नौकरानी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चोर मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस तलाशी में जुटी है चोर की। हम यहाँ पर 6 महीने से नहीं है, बाहर मौजूद रहते हैं। मेरे फादर वहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। नौकरानी दोपहर को यहाँ पर सफाई करने आई थी, तो उसी टाइम कोई आदमी बाहर से अंदर आ गया और उसने उसको होस्टेज बना दिया और उसके सर पे बाद चोट भी की। और ये उनका सारे कमरे खोल के दिखाओ क्या क्या सामान पड़ा है। वो गोल्ड और कैश के चक्कर में उसने भारी भारी सारे कमरे खुलवाए, सारी अलमारियां तोड़ के सब सामान निकाल के वो चला गया। ऐसा है, यहाँ अविनाश सूद जी का मकान है, 3703/5 जीरो क्रॉस रोड पे। वहाँ से हमारे को शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक लेडीज को कोई चोट मार के और चोरी के इरादे से अंदर बढ़ा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मौके पे आए थे। मौके पे पता लगा भी वहाँ पे किरण नाम की जो लेडीज है वो सफाई का काम करती है और वो मकान 1 साल से बंद है। और ये सफाई कर्मचारी दिन में आती है या एक रात को चौकीदार वहाँ पे रहता है, और दिन के समय कोई नशेड़ी कोई नाम पता ना मालूम लड़का अंदर चोरी के इरादे से बढ़ा, जिसको उसने रोकने की कोशिश की तो उसने वहाँ से हाथी उठा के उसके सिर में मारी, उसके हाथ पे मारी और टांग पे मारी, उसको चोटें पहुँचाई। और उसके बाद उसने वहाँ पूरे मकान की छानबीन करी, उसको वहाँ से कोई सामान नहीं मिला। तो उसके बाद उसने उस लेडीज़ का पर्स और एक मोबाइल लेके वहाँ से वो भाग गया।